नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आगरा में राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण भूमि आर समाज समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्यागी समाज के सिरमौर व राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बोबी त्यागी, हलचल इंडिया न्यूज चैनल के डायरेक्टर सूर्यकांत त्यागी कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि अब हमारा समाज जाग उठा है। जो पार्टी हमारे समाज को सम्मान देगी, हमारा समाज उसी का सम्मान करेगा और समाज के अंदर फैल रही कुरूति को मिटाने के लिए कार्य करने होंगे। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बोबी त्यागी ने कहा कि अब युवा जाग उठा है, अब रण बड़ा भीषण होगा। समाज के प्रति अगर कोई व्यक्ति आंख उठाकर देखेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं समाज के द्वारा योगेश त्यागी को आगरा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं सचिन त्यागी को पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। बैठक में रत्नेश त्यागी, रामू त्यागी, सतीश देव त्यागी, दीपक त्यागी और आशु त्यागी आदि मौजूद रहे। आगरा हम समाज के लोगों के द्वारा निमंत्रण हमें दिया गया था। गांव गोपाल पूरा पड़ता है, गांव भागवत गीता आयोजन था, उस वजह से हम लोग वहां से आए थे। लेकिन हमें अपनी कार्यकारिणी भी बढ़ाने का यहां पर आकर अचानक अवसर जो है मिला। करवट हमारे भाई योगेश त्यागी जी, जो यहाँ इनके बारे में चर्चा की, आगे पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे और मजबूत और समाज को जोड़कर और आगे लेके चलने का, लड़ाई लड़ने का माता है, इनके अंदर युवा है, तो इन्हें आज जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिला आगरा का। और भाई सचिन त्यागी के बारे में भी चर्चा सुनी हमने, बहुत जगह बात आई, तो ये भी बहुत कर्मठ है, समाज के लिए समर्पित है, समाज सेवा का भाव इनके अंदर आज नहीं इनके परिवार से चला रहा है, तो इनके भावनाओं को देखते हैं, इनके समाज के प्रति लगन, दोनों की जो समाज के प्रति लगन समर्पण है उसे देखते हैं, इन्हें प्रदेश पश्चिम प्रदेश महासचिव घोषणा इनकी की गई है, आज नियुक्ति की गई है। और ऐसी आशा उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके का इनके बारे में समाज से बातें निकल के आई, समाज को जोड़ने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और समाज को आगे लेकर चलने का काम। देखिए, आज बड़े ही गर्व की बात है, आगरा जो एक ऐतिहासिक जनपद है उत्तर प्रदेश का, जो अपनी आप में एक अपनी पहचान रखता है, हमारे समाज का यहाँ से बहुत अच्छा वर्चस्व है। लगभग 70-75 गांव हैं और नगर के अंदर, महानगर के अंदर, यानी कि आगरा के अंदर लगभग 2-2.5 हज़ार परिवार यहाँ रहते हैं। परिवार ये सब जितना भी त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज है, सभी लोग अपने परिवार के लोग हैं। पूरे देश और प्रदेश में जो एक संगठन बनाया गया है त्यागी, राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के नाम से, इसमें सभी प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, फिर गांव में कमेटियां होंगी, इस स्तर पर एक समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। आज हम कल से आ रहे हैं, एक गोपालपुरा गांव पड़ता है श्याम महाते, आज हम आगरा में हैं। ये हमारे योगेश भाई हैं, बहुत ही कर्मठ और हर तरीके से मजबूत पकड़ अपनी समाज में रखने काम करते हैं। इनको यहाँ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है और हमें पूरे समाज को इनसे आशा है कि एक समाज की पहचान, जो हमारे समाज का प्रतिनिधि किसी भी पार्टी में हो, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम केवल अपना हक के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। ये मेरी बराबर में हमारे छोटे भाई सचिन त्यागी जी, इनको पश्चिम प्रदेश महासचिव का पद इस आशय से दिया गया है कि इनके विचार सुन के, इनकी यहाँ में आगरा में जो इनके बारे में हमने बहुत से लोगों से मुलाकात की और
ऐसा नहीं केवल आगरा आगरा में, अन्य जनपदों में भी ये अच्छी पकड़ समाज में रखते हैं। तो इसलिए हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव को पद इसलिए दिया है कि जो युवा है, असली रीढ़ हमारे समाज की हमारे युवा है। हम इनसे अपेक्षा और आशा रखते हैं कि इन लोगों के, हमारे युवाओं के, जो हमारे समाज की रीढ़ है, जो इनकी शक्ति है, उनको एक्नोर करके कहीं समाज के कामों में। धन्यवाद। जय परशुराम। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।